हेलो माय लवली स्टूडेंट दिस इज मानसी वेलकम बैक टू दी चैनल नाउ वी गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर व्हिच इज टिश्यू सो सीड बैच का बायोलॉजी का चैप्टर है टिश्यू स्टार्ट कर रहे हैं हम सबसे पहले थोड़ा सा रिकैप देख लेते हैं जो पहले चीज़ें पढ़ के है जैसे हमने चैप्टर नंबर फाइव में सेल्स के बारे में पढ़ा था सेल हमने कहा था हमारी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है मतलब हमारी ये जो बॉडी है अगर उसको ऐसे ऐसे ब्रेक डाउन करते जाएंगे करते जाएंगे सो सेल से बनी हुई है तो सेल हो गई हमारी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ अब यहाँ पे दो चीज़ें थी हमने सेल्स में देखा था एक होते हैं यूनी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स एक होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जब हम यूनी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो दैट मीन्स यूनी मीन्स वन सो so, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ जिनमें सिंगल सेल होता है जैसे अमीबा हमने एग्जाम्पल देखा था कि उसमें सिर्फ एक ही सेल है वो ही सारे उसके फंक्शन परफॉर्म करता है एंड जब हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर मल्टी मतलब मेनी सो so, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें अलग अलग बहुत सारे मल्टी सेल्स प्रेजेंट हो ठीक है जैसे हम ह्यूमन बीन हो गए एनिमल्स हो गए प्लांट्स हो गए So, ये सारे मल्टी सेलुलर में आते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में अगर हम देखें ना बेटा सो so बहुत सारे मिलियंस ऑफ सेल्स हैं एंड हर सेल के अपने स्पेसिफिक फंक्शंस हैं ठीक है सो so, एक बार रीड कर लेते so, so, हैं काम कर रहे हैं इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म टू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन एंड ई स्पेशलाइज फंक्शन सेल्स मतलब ऐसा

ग्रुप टूगेदर इन द बॉडी दिस मीन्स दैट अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कैरी आउट बाय अ क्लस्टर ऑफ सेल मतलब भाई ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर सेल है जिसको डाइजेशन करना है या एक्सक्रीशन करना है वही ये काम करे क्लस्टर ऑफ सेल सबका काम क्या है एक्सक्रीशन का एक साथ मिलके टिश्यू बनाया एंड देन फंक्शन परफॉर्म किया ठीक है आगे देखो सो so, अगर टिश्यू को डिफाइन करने के लिए आ जाए तो हम कैसे करेंगे अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टूगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म्स अ टिश्यू सो अ ग्रुप ऑफ सेल्स जब भी डेफिनेशन लिखोगे ये वर्ड का ध्यान रखना ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टूगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन सो एक जैसा स्ट्रक्चर है सेम फंक्शन उन्होंने परफॉर्म करने है एक साथ साथ में आ गए और टिश्यू बना लिया ठीक है Now tissue are arranged and designed to give the highest possible efficiency of function. So जब वो जैसे इतने सारे cells हैं, मान लो भैया एक क्लास में बहुत सारे बच्चे और सारे मैथ्स में बहुत अच्छे हैं टॉपर्स हैं मैथ्स के अब वो सारे बच्चे एक साथ मिल कोई कॉम्पिटिशन है किसी इंटर स्कूल के साथ सो वहाँ पे परफॉर्म कर रहे तो भैया सारे ही स्पेशलाइज है मैथ्स में एक साथ सारे आ रहे तो जो वो वहाँ परफॉर्मेंस देंगे वो कितनी बढ़िया होगी ठीक है तो यहाँ पे भी वही बात है कि सारे सेल्स जो है वो स्पेशलाइज है किसी फंक्शन में एंड वो सारे सेल्स जब इकट्ठे होते हैं एंड काम करते हैं सो वो अपना बेस्ट देते हैं ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं सो आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यूज अब भाई प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही मल्टी सेलुलर है तो उनके टिश्यूज भी सेम होने चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों अलग अलग है कैसे प्लांट्स देखो बेटा स्टेशनरी है फिक्स है उनको इधर उधर ऐसे तो है नहीं भाई प्लांट्स घूम के इधर चला जाता है फिर उठ के जी वापस इस गार्डन में आ जाता है ऐसा तो नहीं होता सो so, प्लांट्स हमारे स्टेशनरी है लेकिन एनिमल्स को इधर उधर घूमना है प्लांट्स को क्या चाहिए उनको ऐसे बस अपराइट रहना तो उनको सपोर्टिव टिश्यूज आ चाहिए जो उनको सपोर्ट दे ताकि वो खड़े रह सके ठीक है एंड उनके जो सेल्स होते हैं ना सपोर्टिव टिश्यूज के जो सेल्स होते हैं ज्यादातर वो डेड सेल्स होते हैं एंड अगर हम यही कंपैरिजन करें एनिमल से तो भैया एनिमल्स को तो इधर उधर घूमना है चाहे वो खाने के लिए हो शेल्टर के लिए हो सो so इन सब चीजों के लिए उनको तो घूमना फिरना पड़ेगा सो so उनके अंदर जो टिश्यूज होते हैं ना उसमें जो सेल्स है दे आर मोस्टली लिविंग सेल्स ठीक है तो ये थोड़े से पॉइंट ऑफ कंपेरिजन है एक बार पढ़ लेते हैं प्लांट्स आर स्टेशनरी और फिक्स मूव सिंस दे हैव टू बी अपराइट दे हैव अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ सपोर्टिव टिश्यू द सपोर्टिव टिश्यूज हैव जनरली हैज डेड सेल्स so, उसमें डेड सेल्स होते हैं एंड एनिमल्स ऑन द अदर हैंड मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड बेट एंड शेल्टर दे कंज्यूम मोर एनर्जी एज कंपेयर टू प्लांट्स प्लांट्स के कंपैरिजन में उनको एनर्जी ज्यादा चाहिए मूवमेंट लोकोमोशन के लिए मोस्ट ऑफ द टिश्यूज दे कंटेन आर लिविंग एंड लिविंग सेल्स के उनके टिश्यू बने हुए होते हैं ठीक है बेटा अब अब एक और बड़ा अब और बड़ा पॉइंट ऑफ ऑफ डिफरेंस है दैट इज पैटर्न ग्रोथ प्लांट्स एनिमल्स या ह्यूमंस को कंपेयर करोगे तो उनका ग्रोइंग पैटर्न भी अलग अलग है जैसे द ग्रोथ इन प्लांट इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन कुछ प्लांट्स के ऐसे रीजन है जो थ्रू आउट दी लाइफ ग्रो करते रहेंगे कुछ है जो फिक्स हो गए आगे ग्रो नहीं करेंगे सो देर आर सम टिश्यूज इन प्लांट्स दैट डिवाइड थ्रू आउट देअर लाइफ बेस्ड ऑन डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ द टिश्यू वेरियस प्लांट टिश्यू कैन बी क्लासिफाइड एज ग्रोइंग या उसको हम बोलते हैं मेरिस्टमैटिक टिश्यू या परमानेंट टिश्यू परमानेंट टिश्यू मतलब नॉन डिवाइडिंग या नॉन ग्रोइंग ठीक है सो ये है प्लांट्स के अभी इसके डेप्थ में जाएंगे तो अभी परेशान मत हो जाना बड़े बड़े वर्ड देख के अभी चलेंगे उस पर एंड यही अगर कंपेरिजन हम एनिमल्स में करें सो सेल ग्रोथ इन एनिमल इज मोर यूनिफॉर्म सो देर इज नो सच डिमार्केशन ऑफ डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग जब हमारे बॉडी पार्ट्स में देख लो ऐसा नहीं है भाई ये अब आगे आज सेल्स डिवाइड होने की जरूरत नहीं इसके सेल्स वो डिवाइड होंगे सो so, ऐसा दिस्क्रि... मतलब

एंड अगर हम बात करें बेटा परमानेंट टिश्यू नाम ही उसका परमानेंट है मतलब दीज आर नॉन डिवाइडिंग सो ये फर्दर अपने आप को डिवाइड नहीं करेंगे ओके अब जो हमारे मेरिस्टमैटिक टिश्यूज है इसमें तीन चीज होते हैं बेसिकली किस बेसिस पे डिवाइड होते हैं कौन से रीजन में ये टिश्यूज है उस हिसाब से सो वी हैव एपिकल देन वी हैव Intercalary, then देन वी हैव लैटरल ठीक है नाम थोड़े से क्योंकि टिश्यूज के नाम में तो थोड़े साइंटिफिक नेम्स है बहुत सारे ऐसे नाम आएंगे जो देखने में लगेगा मुश्किल है बट अगर आप हर टिश्यू के फंक्शन और कंसेप्ट को समझोगे ना तो बहुत ईजी है बस उसमें यही आएगा कोई सपोर्टिव है कोई भाई ग्रोथ प्रोवाइड करता है कोई ये करता है कोई वो करता है तो हाँ इसमें आपको चीजें याद रखनी पड़ेंगी बट जितना ये हवा चैप्टर बना हुआ है ना उतना ही मुश्किल नहीं है ठीक है

परमानेंट टिश्यू में हमारे पास आता है जाइलम एंड फ्लोएम ठीक है सो अब यहाँ पे हमें ये समझ आ गया कि जब हम प्लांट टिश्यू पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में देन इसके अंदर ये और ये सब पढ़ने वाले और बस ये सारे टॉपिक्स हो गए कवर तो हमारा प्लांट टिश्यू का टॉपिक हो जाएगा फिनिश ठीक है स्टार्ट करते हैं स्लोली स्लोली लेके चलेंगे चैप्टर को कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा आपको कि यार ये तो समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से कौन सा टॉपिक आ रहा है ठीक है so, सो पहले हम प्लांट टिश्यू में बात कर रहे हैं बेरिस्टमैटिक टिश्यू मेरिस्टमैटिक टिश्यू मतलब जो थ्रू आउट अपने को डिवाइड करते हैं सो so, क्या करेक्टरिस्टिक्स हो गई इनकी एवर डिवाइडिंग मतलब थ्रू आउट डिवाइड करते रहेंगे ना देखो अभी हमने डिस्कस किया था कि जो प्लांट्स होते हैं भाई उसके सेल्स दे आर मोस्टली टिश्यूज में डेड सेल्स होते हैं लेकिन जब हम मेरिस्टमैटिक टिश्यू की बात करते हैं क्योंकि इन्हें ग्रो करना होता है डिवाइड करना होता है सो so इसके सेल्स जो है बच्चे वो लिविंग सेल्स होते हैं देन अब देखो इसके क्या फीचर है किस तरीके से होता है सेल्स आर थिन वॉल्ड विद लेस वैक्यूल मोर साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस इसमें क्या क्या होता है इसकी थिन वॉल होती है लेस वैक vac जो होते हैं इसमें कम होते हैं मोर साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म ज्यादा होता है एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मतलब इसका एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है देखो अब इन सब चीजों में ना बहुत सारा समझाने वाला नहीं है सिर्फ आपको ये चीजें याद करनी पड़ेंगी वेट टाइम की हाँ यार इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होती है ठीक है आगे है बच्चे सेल इन दिस टू इंक्रीज द लेंथ एंड ग्रेथ ऑफ द प्लांट अब ग्रिथ को बहुत बार ऐसा लगेगा कि ग्रोथ ऑफ द प्लांट है बेसिकली क्या होता है देखो एक प्लांट जैसे ये है ठीक है नॉर्मल जैसे हम ट्री बनाते हैं तो लेंथ तो हो गई इस तरीके से डिवाइड करना जब हम ग्रिथ की बात करते हैं तो मतलब कितनी प्लांट की थिकनेस होगी वो कितना फैलेगा वो हो गई उसकी ग्रिथ ठीक है आप आगे देखो सो वी कैन से मेरिस्टमेटिक टिश्यूर दो इन विच द सेल्स डिवाइड कॉन्टिन्यूसली एंड्रीजिंग लेंथ एंड ग्रोथ नहीं ऑफ दी ठीक है यू कैन कॉल इट ग्रेथ या ग्रथ कुछ भी बोल सकते हो इसको ग्रिथ ऑफ दी प्लांट ठीक है अब आगे क्या है द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स अकर ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन अब प्लांट्स की जो ग्रोथ है ना वो कुछ ही रीजन में होती है दिस इज बिकॉज

एपिकल सो एपिकल उसमें हो गया अभी इसके भी फंक्शन पढ़ेंगे हम देन यहाँ पे जो है this part जो है, मतलब यहाँ पे देख लो यहाँ जहाँ से हमारी ये मान लो है, उसका जो वो जुड़ा हुआ इंटरनोट बेसिकली जो है वहां पे इंटर कैलरी होता है एंड इस तरह से जैसे ये स्टेम मान लो और यहाँ पे सिर्फ इस पार्ट में ये हमारे होते हैं लैटरल ठीक है तो उनका प्लेसमेंट समझ में आ आगे कहाँ पे है अब इनका एक एक करके फंक्शन समझते हैं सो so, एपिकल की बात करें तो एपिकल इज प्रेजेंट एट ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट सो so, ये एपिकलटिक रखना क्वेश्चन ना इस तरीके आ सके बताओ कौन सा टिश्यू यहाँ पे होता है या भाई बताओ कि स्टेम पे और रूट पे कौन सा टिश्यू होता है या ये बता दो कि एपिकल टिश्यू कहाँ कहाँ होता है तो so, ये आपको याद होने चाहिए सो कहाँ पे होता है

और इंटरनोट्स या इनको इंटरनोट्स बोलते हैं तो वहां पे इट इज रिस्पांसिबल फॉर इंक्रीज इन लेंथ ऑफ ऑर्गन सच एज लीव्स अब क्योंकि वो यहाँ पे यहाँ ग्रोथ प्रोवाइड कर रहे हैं मतलब हमारी लीव्स को बढ़ा रहे हैं वो ठीक है तो वहां पर प्रो, ग्रोथ प्रोवाइड कर रहे हैं आगे है लैटरल जिसको हम कैम्बियन भी बोलते हैं दे लाए ऑन दी लैटरल साइड लैटरल साइड मतलब ये ऐसे साइड बाय साइड जिसको बोलते हैं सो लैटरल होता है साइड बाय साइड बेसिकली तो यहाँ पे होता है वो ऑफ द स्टेम एंड रूट हेल्प इन इंक्रीजिंग द थिकनेस ऑफ द स्टेम रूट सो ये थिकनेस मतलब अगेन जो हमारे प्लांट की गर्थ होती है उसको बढ़ाने में हेल्प करता है ठीक है समझ में आ गया सो so, तीन जगह पे होता है जो एपिकल है वो टिप पे होता है और रूट्स में होता है

मेरिस्टमैटिक टिश्यू मेरिटमैटिक टिश्यू मतलब जो अपने आप को थ्रू आउट डिवाइड करते रहेंगे अब हम बात कर रहे हैं परमानेंट टिश्यू की तो एक चीज तो क्लियर है कि दे डू नॉट डिवाइड वो अपने आप को डिवाइड नहीं करते अच्छा एक चीज और बताओ यार ये जो टिश्यूज हैं जैसे सेल्स अलग अलग थे तो क्या ये टिश्यूज पहले से प्लांट में थे मतलब उसमें परमानेंट टिश्यूज भी कुछ थे और मेरिस्टमैटिक टिश्यूज भी थे क्या ऐसा होता है नहीं हमेशा एक प्लांट में मेरिस्टमैटिक टिश्यू होता है वो अपने आप को डिवाइड करते करते जब वो मेच्योर हो जाता है एंड वो फर्दर डिवाइड नहीं करता सो so, यही मेरेस्टमैटिक टिश्यू हमारा परमानेंट टिश्यू बन जाता है तो ये मेरेस्टमैटिक टिश्यू ही आफ्टर मेच्योरिटी परमानेंट टिश्यू बन जाता है कि अब भैया ये और डिवाइड नहीं कर रहा सो दीज टिश्यू ओरिजिनेट फ्रॉम दी मेरेस्टमैटिक टिश्यू मतलब ये परमानेंट टिश्यू आए कहाँ से है हमारे मेरिस्टमैटिक टिश्यू से ही आए हैं दे टेक रोल एंड लूज एबिलिटी टू डिवाइड नाउ जब ये मेरिस्टमैटिक टिश्यू है उन्होंने अब एक स्पेसिफिक रोल ले लिया कि भाई मेरा ये काम है मैं सिर्फ यही काम करूंगा मैं फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता सो दे फॉर्म अ परमानेंट टिश्यू तो एज अ रिजल्ट भाई उन्होंने एक परमानेंट टिश्यू बना लिया खुद को नाउ एक वर्ड आता है डिफ्रेंसिएशन इसका क्या मतलब है प्रोसेस बाय विच सेल्स ऑफ द मेरेस्टमैटिक टिश्यू कन्वर्ड इन टू परमानेंट टिश्यू बाई टेकिंगशन डिफाइन करने के लिए कभी आ जाए तो सिंपल साहब है, भैया है, जो एक मेरेस्टमैटिक टिश्यू है जब उसको लगता है कि भाई अब मेरा हो गया अब मैं जो और डिवाइड नहीं करना अब मैं थक गया तो वो एक फिक्स साइज शेप वगैरह अपना फिक्स फिक्स फंक्शन लेके बैठ जाते हैं और अपने आपको अपने आप को कहता है भाई अब मैं परमानेंट टिश्यू बन के बैठूंगा सो so, वो जो पूरा प्रोसेस है उसको हम

सेल मिलेगा आपको ठीक है लेकिन अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स नाम ही कॉम्प्लेक्स है भाई सो द टिश्यू कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप सेल्स सेल्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन और सेल्स आपस में कोऑर्डिनेट करके कॉमन फंक्शन कर रहे हैं सो so सिंपल वाले में सिंगल सेल है एंड इसमें देर आर मोर देन वन सेल ठीक है आप एक एक करके जरा की टाइप्स पे आ जाते हैं तो पहले हम सिंपल परमानेंट इशू पढ़ेंगे जिसमें हमारे वो तीन खतरनाक नाम है ठीक है याद ऐसे ही करना कि भाई सिंपल वाले तीन है और कॉम्प्लेक्स वाले दो है कॉम्प्लेक्स वाले जो नाम है वो सिंपल है लेकिन सिंपल वाले में जो नाम है वो कॉम्प्लेक्स है ठीक है सो ऐसे याद रखेंगे हम ताकि अगर कभी ऐसे आ जाए कि पेरेंट के पेरन बारे में लिखो तो याद रहेगा भाई इतना टेढ़ा मेढ़ा नाम है ना ये सिंपल परमानेंट इशू का है ठीक है सो so, पहला है पेरन्काइमा. पेरन्काइमा में क्या पैर का बच्चे इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज सेल्स थिन सेल वॉल्स दे आर लाइव सेल्स सो भैया अगेन यहाँ पे अनस्पेशलाइज सेल्स होते हैं थिन सेल वॉल होती है एंड जो उसके सेल्स होते हैं वो लिविंग सेल्स होते हैं दे आर यूजली लूजली पैक्ट अब उनके अंदर जो स्पेस होता है ना वो लूजली पैक होता है मतलब इंटरसेलुलर स्पेस काफी होता है उनमें अब देखो बच्चे इसमें ना देखो ये बेसिकली आपको चलेगा मैम ये तो आप इंग्लिश का हिंदी कन्वर्ट कर रहे हो क्योंकि इसमें इतना चीज़ें है ही नहीं आपको यही चीजें देखने की भाई ये जो टिश्यू है ये किस किसका क्या फंक्शन है ये कहाँ पे पाया जाता है यही सब चीजें हमें इस चैप्टर में याद रखनी है सो दिस टिश्यू प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट इसका काम क्या होता है भाई ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगा एंड ऑल्सो स्टोर्स फूड फूड को स्टोर करके रखता है नाउ इन अच्छा ये दो ध्यान से सुनना इन एक्वेटिक प्लांट्स अब जो इक्वेटिक प्लांट्स होते हैं ना उसमें ये वाले जो टिश्यूज होते हैं उसमें एयर कैविटीज जो है वो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा एयर कैविटी प्रेजेंट है मैं साथ साथ में यहाँ पे पिक्चर्स इंसर्ट करती रहूंगी ताकि आप देखते रहो ठीक है so, सो यहाँ पे क्या सीन है भाई इनकी एयर कैविटीज बहुत ज्यादा है कहाँ पे कौन से वाले में जो एक्वेटिक वाले होते हैं जो एक्वेटिक वाले प्लांट्स होते हैं उसमें एयर कैविटीज बहुत ज्यादा होती है ताकि वो फ्लोट कर सके सो आर प्रेजेंट टू हेल्प देम फ्लोट विच इज कॉल्ड और इसका नाम क्या दे दिया एयरन कायमा सो पैरन पेरनकाइमा में ही जब एयर कैविटी ज्यादा होगी तो वो बन गया और इसी तरीके से इन सिचुएशन इट कंसिस्ट ऑफ क्लोरोफिल क्लोरोफिल क्या काम करता है फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है सो so, यहाँ पे भी यहाँ पे भी कुछ स्पेशलाइज वो हैं जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है एंड परफॉर्म्स फोटोसिंथसिस अब सिंस क्लोरोफिल है तो वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा

मिलता है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अगला है बच्चे हमारे पास कॉलन कायमा कॉलन कायमा क्या है द फ्लेक्सिबिलिटी देखो अभी तो ना मैंने पूरा ऐसे लिखा हुआ है इसके इस चैप्टर के मैं हैंड रिटन नोट्स भी बनाऊंगी जिसमें मैं हर चीज बहुत शॉर्ट में क्योंकि अभी तो मैं चाहती थी कि भैया आपको बताओ कि एग्जाम में आंसर ऐसे लिखने हैं इसके अलावा जैसे ये वर्ड लिखा और ये क्या करता है साथ में इसके फ्लेक्सीबिलिटी लिख दिया एंड कहाँ पाए जाते हैं वो लिए तो मैं इसके बहुत शॉर्ट नोट्स भी जो हैंड रिटन होंगे वो भी इस चैप्टर के बनाऊंगी ताकि आप क्विक रिविजन करने में हेल्प ठीक है 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 चलो का काम क्या होता है बच्चे flexibility provide करता so, भैया में जो जैसे अगर आपने ऐसे ऐसे-ऐसे के साथ कुछ बिल्कुल सकते हो मोड़ना तोड़ना नहीं है मैं बता रही हूं फ्लेक्सिबल होता है तो फ्लेक्सिबिलिटी किसकी वजह से आती है एक टिश्यू है क्योंकि उसमें जिसका नाम है फ्लेक्सिबिलिटी आती है इट अलाउज इजी बेंडिंग इन वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट जैसे लीव स्टेम विदाउट ब्रेकिंग बिना ब्रेक के आराम जैसे लीव वगैरह आप देखते हो है, हैंग कर जाती है एंड क्या होता है वहां पे वो फ्लेक्सिबिलिटी है बेंडिंग हो पाती है बिना ऐसा नहीं कि भाई बेंड करी और टूट गई तो अगर बहुत हार्ड होगी कोई चीज बेंड होती है टूट जाएगी लेकिन उसमें फ्लेक्सीबिलिटी इलास्टिसिटी है सो so भाई ये हो गया विदाउट ब्रेकिंग इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट्स क्या काम करता है भाई मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है एंड द सेल्स ऑफ दी टिश्यूज आर लिविंग एलोंगेटेड एंड इरेगुलरली दी कॉर्नर सो जो जिसके सेल्स है वो लिविंग सेल्स है उसमें वो एलोंगेटेड है मतलब लंबे से हैं एंड इरेगुलरली मतलब जगह जगह से कॉर्नर से थिक है ठीक है नाउ देर इज वेरी लिटल इंटरसेलुलर स्पेस अगर हम इसमें बात करें हमने मैट्रिक्स देखा था ना उसका कि पैरन कायमा के जो टिश्यूज है उसमें इंटर इंटर सेलुलर जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा है लेकिन यहाँ पे स्पेस बहुत कम है सेल जैसे सेल्स एक साथ इकट्ठे होकर टिश्यू बन रहे ना तो उन सेल्स में जो स्पेस है वो कम है ओके एंड वी कैन फाइंड दिस टिश्यू इन ली स्टैग्स बिलो दी एपिडर्मिस अब आपके दिमाग में आएगा यार ये एपिडर्मिस तो पढ़ा नहीं एपिडर्मस भी एक तरह का टिश्यू है बच्चे जो हमारा हमें मतलब प्लांट को बेसिकली प्रोटेक्ट करता है इसके बारे में अभी इन डिटेल भी हम पढ़ेंगे ठीक है चलो अभी के लिए जिस टॉपिक पे हम वहां से भटकते नहीं है और पढ़ते हैं अपना सो स्केल का मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ अब देखो याद रहेगा भाई अभी जब हमने कॉलन कायमा पढ़ा वो फ्लेक्सीबिलिटी प्रोवाइड कर रहा था अब ये वाला क्या कर रहा है इसको कैसे याद रखोगे स्केल्स अवर्ड इसका वर्ड में

सेल्स ऑफ द टिश्यू आर डेड इसके अंदर डेड सेल्स होते हैं दे आर लॉन्ग एंड एज द वॉल्स आर थिकन ड्यू टू

लिग्निन करता है इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ भैया हार्डनेस दे रहा है तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं अभी कहां पे होता है दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्टेम्स अराउंड बंडल्स अब दिमाग में आएगी वेस्कुलर बंडल्स क्या है बेसिकली अभी हम पढ़ेंगे ना कॉम्प्लेक्स वर्मोनेंट टिश्यू उसमें दो चीजें पढ़ेंगे फ्लोएम उनका काम क्या होता है पानी को ट्रांसपोर्ट करना फूड को ट्रांसपोर्ट करना वो मिलकर बनाते हैं वेस्कुलर बंडल ठीक है चलो इन द हस्क ऑफ कोकोनट आपको मेनली ये चीज रखना क्योंकि ये हार्डनेस प्रोवाइड कर रहा है तो जहां जहां पे भी प्लांट हमारा हार्ड होता है वहां पे ये चीजें मिलेगी इन द वेन्स ऑफ लीव एंड इन द हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स तो वहां पे ये वाले टिश्यूज होते हैं आगे देखते हैं हम अब एक बार जहाँ पे हमने तीनों पढ़ लिए तो उनका कंपैरिजन देख लेते हैं शॉर्ट में ठीक है ये चीज होती है कि मस्त एक बार सारी चीजें पढ़ ली और अब रिवाइज करने तो ऐसा टेबल मैंने बना दिया कि शॉर्ट में सारा चीजें लिखी हुई है so, सो सबसे पहले हम तीनों का स्ट्रक्चर करते हैं कंपेयर सो यहाँ पे क्या है यहाँ पे है एंड नैरो अगर आपने ये टेबल याद कर लिया तो आपके तीनों टॉपिक हो गए ठीक है उसके बाद यहाँ पे लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होता है मतलब सेल्स के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होता है यहाँ पे दे हैव इनरेगुलर थिकनेस एट देयर कॉर्नर एंड वॉल्स थिकनेस ड्यू टू और यहाँ की तो वॉल्स बहुत थिक ना होती है किसकी वजह से वही लिग्निन की वजह से जो मैंने बोला भी सीमेंट जैसा होता है देन बात करते हैं लोकेशन अलग अलग जगह पे है जैसे ये तो प्रेजेंट थ्रू आउट द प्लांट है ये जो हमारा पेरन है वो तो थ्रू आउट द प्लांट प्रेजेंट है अगर हम कॉलन की बात करें तो इट इज प्रेजेंट इन लीव स्टॉक्स बिलो एपिडर्मिस एपिडर्मिस के नीचे जो लीव स्टॉक्स होते हैं वहां पे माया जाता है ये एंड यहाँ पे इसकी बात करें तो स्टेम्स अराउंड द वेस्कुलर बंडर वेन्स ऑफ लीव एंड हार्ड कवरिंग ऑफ द सीड एंड नट्स और एक और देखा था हर्स्क ऑफ कोकोनट वहाँ पे होता है ये आप अगर फंक्शंस की बात करें तो इसमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है एक पैकिंग टिश्यू है एंड दे मे कंटेन हमने देखा था ना क्लोरोफिल कंटेन कर सकता है या एयर स्पेसिस अगर क्लोरोफिल कंटेन कर रहा है मतलब उसमें फोटोसिंथेसिस होगी एंड उसको हम क्लोरन कायमा बोलते हैं अगर एयर एयर स्पेसिस एयर कैविटीज बहुत ज़्यादा हैं तो वो किस वाले में होते हैं अगर प्लांट एक्वेटिक प्लांट है ताकि वो फ्लोट कर सके एंड देन उसको हम बोलते हैं एरन कायमा ठीक है आगे है बेटा इसकी बात करें तो दे हेल्प्स इन इजी बेंडिंग विदाउट ब्रेकिंग मेक्स प्लांट फ्लेक्सिबल एंड मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं इस वाले में भी हमारे पास सपोर्ट प्रोवाइड होता है एंड मेक्स प्लांट हार्ड एंड Stiff. तो ये एक समरी होगी जो तीन चीजें हम इसके बारे में तीन के बारे में जो जो चीजें पढ़ के आए ठीक है अब आगे बढ़ जाते हैं आगे है हमारे पास प्रोटेक्टिव आपको लगेगा यार ये बीच में कैसे आगे अभी तो आपने हमें बोला था कि सिंपल परमानेंट के बाद हम

जो बिल्कुल जो आपको चीजें दिख रही है स्टेम दिख रही है वो 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 आउटर मतलब बेसिकली चीज समझ लो आर टू सारी चीजें क्या है अपने आप को एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं या तो आप कह सकते हो अपने ऊपर एंड अपने आप को प्रोटेक्टिव टिश्यू में कन्वर्ट कर लिया द प्रोटेक्टिव टिश्यू प्रोटेक्ट प्लांट वाह 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 बड़ी सिंपल सी चीज है ये फ्रॉम किससे प्रोटेक्ट करता है लेकिन अनड्यू लॉस ऑफ वॉटर एंड माइनर एक्सटर्नल इंजरी सो so, दो चीजों से प्रोटेक्ट करता है एक तो देखो भैया कोई मान लो डेजर्ट में प्लांट है, उसको सबसे ज़्यादा किस चीज की जरूरत है कि भैया जो वाटर है वो उसको होल्ड करके रख सके तो भैया फालतू में लॉस ऑफ वाटर से बचाता है ये एंड कोई एक्सटर्नल इंजरी होने से प्लांट को बचाता है ठीक है ना दीज सेल्स आर स्पेशन नंबर ऑफ वेज टू एक्ट एज प्रोटेक्टिव टिश्यू तो बड़े ये इसके अंदर स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जो जिनको पता है कैसे खुद को प्रोटेक्ट करना ना तो टू टाइप्स ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यूज आर एपिडमिस अभी हमने पढ़ा था ना एक जगह पे एंड कॉर्क ठीक है दोनों का काम वाम सेम होता है बट ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है वो भी डिस्कस कर लेते हैं एपिडर्मिस की बात करें तो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ऑल सॉफ्ट पार्ट जैसे हमारी लीव कितनी सॉफ्ट है जो मोटी वाली स्टेम की बात नहीं करी जो लीव्स के साथ पतली पतली स्टेम होती है वो कितनी सॉफ्ट होती है उनके साथ होता है ये द एंटायर सर्फेस ऑफ प्लांट हैज एन आउटर कवरिंग कॉल्ड एपिडर्मिस कवर्ड विद क्यूटिकल्स तो यहाँ पे जो पूरे प्लांट की आउटर कवरिंग है वो ये एपिडर्मिस करता है सेल्स आर सेल्स कैसे हैं इसके एलोंगेटेड फ्लैट एंड इरेगुलर इन शेप विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस अब इनमें इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं हो तो ऑब्वियसली भाई वो स्पेस दे दोगे तो कैसे एक्सटर्नल एनवायरमेंट से उसको प्रोटेक्ट करोगे तो इसमें जो स्पेस है वो बहुत कम होता है अब दिमाग में आएगा अगर ये जो पहली पूरी लेयर है उसमें स्पेस ही नहीं है तो भैया गैसेस एक्सचेंज कैसे होगा पानी का एक्सचेंज कैसे होगा कैसे ही सभी चीजें मिलेंगी सो so, उसके लिए दे हैव माइन्यूट ओपनिंग्स कॉन स्टोमेटा तो भैया उसके पास है स्टोमेटा आपने अगर उसके फंक्शंस पड़े होंगे तो वो अपने आप को ओपन क्लोज करता रहता है जिससे गैसेस एक्सचेंज हो पाता है सो so, चोमेटा पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि कहाँ प्रेजेंट होता है भाई हमारी लीव्स में एंड जितने भी ग्रीन शॉट्स हैं, वहां उन पे शूट्स हैं पे हमारा ये चोमेटा होता है जो हेल्प करता है गैसियस वगैरह एक्सचेंज में देन दे आर पेरनकाइमेटस इन नेचर मतलब पेरनकाइमा के जो हमने देखा था

और पैरासिटिक फंगी एंड बैक्टीरिया सो इन सब के अटैक से खुद को बचाता है एंड इट अलाउज एक्सचेंज ऑफ गैस एंड ट्रांसपेरेशन थ्रू स्टोमेटा सो जो भी ट्रांसपेरेशन होता है मतलब पानी का जो लॉस होता है वो सब ये सब कैसे होता है जैसे एक्सेस वाटर निकलेगा कहाँ से तो ये स्टोमेटा की हेल्प से गैसेज का एक्सचेंज भी स्टोमेटा की हेल्प से कराता है जो लगा होता है वो ये भी ध्यान रखता है कि ठीक है भाई जैसे एक्सेसिव वॉटर है वो तो जा रहा है ऐसा ना हो कि प्लांट को जिस पानी की जरूरत है वो भी साथ जा रहा है उसके सो so, उसका ध्यान ये क्यूटिकल रखता है आगे बढ़ते हैं बेटा कॉर्क कॉर्क क्या होता है भाई हमारा आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ ओल्डर स्टेम अब जो पुरानी स्टेम होती है अगर बहुत पुराना पेड़ उसकी जो स्टेम होती है बार्क ऑफ द ट्री होता है वो कितना ज़्यादा सॉलिड होता है उसको जब प्रोटेक्ट करने के लिए लेयर बनी हुई दैट इज कॉर तो हमने देखा था सॉफ्ट पार्ट को कौन कर रहा है एपिडर्मिज एंड वो जो हार्ड सा पार्ट है उसके लिए गया सेल्स आर रेक्टेंगुलर इन शेप विच आर कंपोज ऑफ डेड सेल्स अगेन भाई ये जो है वो डेड सेल से बना है सेल्स आर अरेंज कॉम्पैक्टली विदाउट इंटर सेलुलर स्पेस अब ये तो मान ही लो यार जब अगर उसको प्रोटेक्शन का काम करना है सो उसके जो सेल्स है वो बिल्कुल कॉम्पैक्टली पैक्ट होंगे इसमें स्पेस नहीं होगा देन कॉट सेल हैव थिक वॉल्स विच आर इम्पेरिएबल इम्पेरिएबल मतलब कि वहां से चीजें अंदर बाहर नहीं हो सकती आगे है फंक्शन अगर देखें सो इट प्रोवेंट्स लॉस ऑफ वॉटर बाई इवेपोरेशन से लॉस ऑफ वाटर को प्रोटेक्ट लॉस ऑफ वाटर ना हो इस चीज से प्रोटेक्ट करता है प्रोटेक्ट प्लान फ्रॉम एंट्री ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रो जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम है उसकी एंट्री बैन है भाई अंदर नहीं आने देता प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोई भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो वो नहीं होने देता कमर्शियली यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टॉपर्स आपने देखोगे वाइन बॉटल्स में ऊपर लगा होता है एंड

कॉम्प्लेक्स परमानेंट इशू में सो अब नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट इश्यू कोई कंफ्यूजन तो नहीं है एक बार रिवाइज कर ले देखो हमने स्टार्ट किया प्लांट टिश्यू प्लांट टिश्यू में हमने देखे कि भाई दो तरह के प्लांट टिश्यूज होते हैं एक होते हैं एक होते हैं परमानेंट मतलब अपने आपको डिवाइड करते रहेंगे उसमें हमने तीन चीजें देखी लोकेशन के हिसाब से कौन कौन से होते हैं फिर हमने कहा भाई एक परमानेंट होते हैं परमानेंट में भी दो अलग तरीके के होते हैं एक सिंपल परमानेंट एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट सिंपल परमानेंट में हमने वो तीन मुश्किल नाम पढ़ लिए पेरनकाइमा स्केलेनकाइमा और जो कोलेनकाइमा था वो पढ़ लिया हमने फिर हमने बीच में एक छोटा सा टॉपिक ऐसे घुसा दिया कि प्रोटेक्टिव टिश्यूज भी होते हैं जिसमें हमने एपिडर्मिस और कॉर्क पढ़ लिया अब हम आगे अपने कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हमें दो पढ़ने हैं और xylem पढ़ेंगे। इसको पहले ये पढ़ लेते। so, देखा था भाई, वाले जो है उसमें है। इसमें मोर देन वन टाइप ऑफ सेल होता है नाइलम एंड फ्लोएम आर एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्सू कॉम्प्लेक्स शिश्यू के क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं फ्लोएम है भाई दे आर बहुत कंडक्ट कंडक्टिंग टिश्यू कंडक्टिंग टिश्यू मतलब जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं चाहे वो वाटर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं चाहे वो हमारे फूड वगैरह ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं वो हमारे कंडक्टिंग टिश्यूज है एंड कॉन्स्टिट्यूट अ वैस्कुलर बंडल सो ये मिलके क्या बना रहे हैं हमारे जाइलम ऑफ फ्लोएम मिलके वैस्कुलर बंडल बनाते हैं नाउ वैस्कुलर और कंडक्टिव टिश्यू इज अ डिस्टिंग फीचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लांट ये कॉम्प्लेक्स प्लांट में लाए जाते हैं वन दैट हैज मेड पॉसिबल देर सर्वाइवल इन द टेरिस्ट्रियल एनवायरमेंट इन टिश्यूज की वजह से ही टेरिस्ट्रियल एनवायरमेंट में प्लांट जो है वो सर्वाइव कर पाते हैं अब इसका क्या फंक्शन है इसका फंक्शन है ट्रांसपोर्ट करना वाटर को मिनरल को सॉल्ट को एंड फूड मटीरियल टू वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट सो मतलब बेसिकली इसका जो काम है ट्रांसपोर्टेशन का हो गया ठीक है अब एक एक करके पढ़ लेते हैं भाई हमारे जाइलम में क्या क्या होता है फ्लोएम में हमें आगे जाके ना अगली क्लासेस में और डेप्थ में भी पढ़ोगे बट अभी हमें इतने डेप्थ में नहीं जाना हमें सिर्फ इसके क्या क्या पार्ट होते हैं ये क्या काम करता है वो पढ़ना है ठीक है अब ये जो जाइलम है ना ये चार चीजों से बना मतलब इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो चारे एग्जाम में आ जाते हैं पूछ लेते ध्यान रखना ट्रैकेट हो गया वेसल्स हो गया जाइलम पैरनकाइमा हो गया एंड जाइलम फाइबर्स हो गया ठीक है इसके अलावा द सेल्स हैव थिक वॉल्स इसके जो सेल्स है उनकी थिक वॉल्स होती है एंड मेनी ऑफ देम आर डेड सेल्स सो इसके अंदर डेड सेल्स पाए जाते हैं नाउ ट्रैकेट्स एंड वेसल्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स दिस अलाउज देम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल वर्टिकली मतलब यहां पे सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन इस तरीके से वर्टिकली चलता है एंड द पेरन कायमा स्टोर देखा था अपने माँ पे पेरन कायमा यही काम कर रहा था एंड हेल्प इन दी साइड वे कंडक्शन ऑफ वॉटर सो साइड वे का कंडक्शन पानी का हो सके इसमें हेल्प करते हैं जो फाइबर्स है दे आर मेनली सपोर्टिव इन फंक्शन तो वो सपोर्ट का काम करती हैं ठीक है ठीके? अब यही चीज हम देखते हैं फ्लोएम में क्या क्या होता है अब जैसे जाइलम में हमारे हमारे पास पास चार है है पे भी है. क्या क्या है सीव ट्यूब्स है इसमें कंपेनियन सेल्स है फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पेरनकाइमा सो ये सारी चीजें इसमें है नाउ अनलाइक जाइलम इन फ्लोएम मेटीरियल कैन मूव इन बोथ बो हमने देखा था उसमें मूवमेंट कैसा होता है सिर्फ वर्टिकल मूवमेंट होता है लेकिन यहाँ पे दोनों डायरेक्शन में ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ में भी सो so, दोनों डायरेक्शन में चीजें ट्रांसपोर्ट होती है नाउ फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट अब खाना कहाँ बनता है लीव्स में बनता है तो ये फ्लोएम का, का काम होता है कि उन लीव से खाना लेके सारे पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स तक पहुंचाना ट्रांसपोर्ट करना एक्सेप्ट फॉर फ्लोएम फाइबर फ्लोएम सेल्स आर लिविंग सेल्स सिर्फ जो फ्लोएम फाइबर है उसमें डेड सेल्स होते हैं उसके अलावा जितनी भी अपनी चीज़ें पढ़ी इन सब में लिविंग सेल्स होती है ओके सो विध दिस हमारा जो प्लान टिश्यू का टॉपिक है बच्चे वो फिनिश होता है इसके बाद हम हम आएंगे एनिमल टिश्यू में सो प्लान टिश्यू में क्या क्या है एक बार फटाफट से अब तो देखो अपनी चीज़ें पढ़ ली तो फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं सो so, लेके चलते हैं प्लान टिश्यू में एंड उस टाइम देख के लग रहा था ना कितनी सारी चीज़ें हैं ये सब चीज़ें हमने पढ़ी हैं अपने प्लांट टिश्यू में क्या क्या पढ़ा कि प्लांट टिश्यू दो तरह के होते हैं मेरिस्टमैटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू मेरिस्टमैटिक में हमने देखा लोकेशन के हिसाब से कहाँ कहाँ पे वो है एपिकल हो सकता है इंटरकैलरी हो सकता है और लैटरल हो सकता है उसके बाद आए हम परमानेंट इशू पे परमानेंट इशू में हमने देखा कि सिंपल परमानेंट इशू होते हैं और कॉम्प्लेक्स सिंपल वाले एक सेल से बने कॉम्प्लेक्स वाले मोर देन वन सेल से बने अब सिंपल वाले में मुश्किल वाले नाम कौन से पेरेंट कायमा कॉलन कायमा एंडमा उसके बाद कॉम्प्लेक्स वाले में देखा हमने दो ही होतेलम और फ्लोएम एंड इन सब के बीच में हमने एक और चीज़ पढ़ी विच इज प्रोटेक्टिव टिश्यूज प्रोटेक्टिव टिश्यू में हमने देखा इनका काम होता है प्रोटेक्ट करना और इसमें हमने दो चीज़ें पढ़ी एपिडर्मिस और कॉर्क ठीक है अब हम यहाँ पे इसको कंप्लीट करते हुए आ गए हैं अपने एनिमल टिश्यूज में ठीक है अब जो एनिमल टिश्यूज है ना जैसे यहाँ पे हमने इतने सारी टाइप्स देखी इसी तरीके से हमारा जो एनिमल टिश्यू है उसमें भी बहुत तरह तरह के होते हैं कौन कौन से होते हैं डिस्कस कर लेते हैं देखो जी इसमें हमारे फंक्शन के हिसाब से चार तरह के पढ़ेंगे हम पहला है एपिथेलियल टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू क्या काम करता है प्रोटेक्शन का काम करता है सिक्रीशन का काम करता है एंड एब्जॉर्बशन का काम करता है सो वी हैव एपिथेलियल टिश्यू उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू एपीरियल चलो ठीक है नाम से शायद ना पता चले कनेक्टिव टिश्यू क्या कम करेगा कनेक्ट करने का सो कंडक्शन ऑफ ऑफ नर्व इंपल्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन द बॉडी सब चीजों को एक दूसरे से कनेक्ट रखना दैट इज कनेक्टिव टिश्यू ठीक है क्या क्या इसमें आएंगे अभी एक एक करके पढ़ेंगे देन वी हैव मस्कुलर टिश्यू मस्कुलर टिश्यू क्या करेंगे मूवमेंट और लोकोमोशन में हेल्प करेंगे अच्छा

लोकोमोशन नहीं है लेकिन हम लोगों में जो ह्यूमंस है एनिमल्स है उनमें क्या है वहां पे हमारे पास लोकोमोशन और मूवमेंट दोनों है ठीक है लास्ट ना है हम पढ़ेंगे दैट इज नर्वस टिश्यू नर्वस टिश्यू में क्या होगा बाइंडिंग का काम सपोर्ट का काम प्रोटेक्शन का काम ट्रांसपोर्टेशन एंड सब बेसिकली सारा जो हमारे जो हम रिस्पॉन्स वगैरह देते हैं वो नर्वस सिस्टम की वजह से तो उसके उसके टिश्यूज के बारे में हो गया ठीक है ठीके? चलो एक एक करके स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे ये जो हमारे एपीथीलियल टिश्यू हैं ये कौन से होते हैं द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी आर एपीथीलियल टिश्यू एपीथीलियम फॉर्म्स अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट सो इसका काम क्या होता है प्रोटेक्ट करने का एक कवरिंग प्रोवाइड करता है बेसिकली ये एंड जो अलग अलग बॉडी सिस्टम है उसको भी सेपरेट करने का काम इस टिश्यू का होता है नाउ द स्किन हमारी पूरी स्किन हो गई द लाइनिंग ऑफ द माउथ हमारे माउथ की लाइनिंग हो गई लाइनिंग ऑफ वेसल्स लंग एलि एंड किडनी ट्यूबल्स आर ऑल मेड ऑफ एपिथेल टिश्यू तो भैया यहाँ पे हर जगह पे स्किन आ, स्किन क्या आती ही समझ लो भाई इस स्किन पे पूरा क्या है ये जैसे अब कोई भी एक्सटर्नल चीज से हमें ये स्किन ही तो प्रोटेक्ट करती है तो यहाँ पे सब पे क्या है वी हैव एपिथीरियल

लॉस ऑफ वाटर तो होगा ना सो so, ये पेरीमेबल है मतलब क्या किसको परमिशन देनी है किसको नहीं देनी वो इनके कंट्रोल में तो so, सेल्स ऐसे पेरीमेबल हैं दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग द एक्सचेंज ऑफ मटीरियल बिटवीन द बॉडी एंड द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट सो हमारी बॉडी एनिमल्स की बॉडी और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चीज़ें एक्सचेंज इसी वजह से होती है क्योंकि जो सेल्स है उनका एक फीचर है कि वो पेरीमेबल है ऐसे नहीं है कि भैया कोई चीज़ ये अंदर नहीं आने देंगे कोई चीज़ बाहर नहीं जाने देंगे ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं आगे है हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू अब यहाँ पे ये जो एपिथेलियल टिश्यू है इसमें भी हमारे पास चार टाइप्स है कौन सी पहला है स्क्वेमस देन वी हैव स्टैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम यहाँ पे देख सकते हो आप कि नाम दोनों का सेम है बस ये स्टैटिफाइड का फर्क आ गया क्या डिफरेंस है अभी पढ़ लेंगे हम देन वी हैव क्यूबॉइडल सो यहाँ पे ना एक चीज होगी जैसा नाम है वैसे ही उसका स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा सो वी हैव क्यूबॉइडल एपीथीलियम एंड देन वी हैव कॉलम ने सो ये कॉलम नाम आ गया इसमें कॉलम जैसा होगा क्यूब है क्यूब जैसा होगा सो so, अगर हम बात करें स्क्वास इसको एक और नाम दे रखा है विच इज पेवमेंट सो एक देखो एक तो यहाँ पे आप इनके स्ट्रक्चर देख सकते हो एंड जब आप इनके स्ट्रक्चर देखोगे ना आपको एक कॉमन चीज दिखेगी यहाँ पे देखो एक लेयर दिख रही है हमें यहाँ पे एक लेयर दिख रही है इनकी बात करें इधर भी आपको ये लेयर दिख रही है जो ग्रे कलर की है ये क्या है ये हर इस टाइप के हर टिश्यू में है एंड इसको हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्रेन जो मतलब इनके बेस में है ठीक है सो so, स्क्मस में सबसे पहले भाई सेल्स कैसे हैं दे आर एक्सट्रीमली थिन एंड फैट एंड फॉर्म्स अ डेलिकेट लाइनिंग सो अब इसके ना फीचर से ही पता चल जाएगा कहाँ पे होगी जैसे एक डेलिकेट सी लाइनिंग चाहिए सो so, जो हमारे माउथ की लाइनिंग है या जो हमारे पाइप्स वगैरह है उनकी जो लाइनिंग है जहाँ बहुत थिन लाइनिंग चाहिए वो इन टिश्यूज से बनेगी सो लाइनिंग ऑफ स्पेरेगस देन लाइनिंग ऑफ माउथ लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स लाइनिंग ऑफ एल ऑफ लंग्स लाइनिंग ऑफ ब्रो बोमेंस कैप्सूल हमारे एक नेफ्रॉन्स होते हैं किडनी वगैरह में

एपिथेल करा के इसी लेयर ने अपने को और लेयर्स में मल्टीपल लेयर्स में स्टैक कर लिया है सो सेल्स आर अरेंज इन मल्टीपल लेयर्स एंड दे आर लोकेटेड एज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑल ओवर बॉडी मतलब जो हमारी स्किन है वो इस टीशू से बनी है ठीक है क्योंकि इसमें अगर इतनी पत्नी तो तो सी लेयर लगाते तो भाई बहुत डेलीकेसी आ जाती सो so, इसी लेयर अपने आपको मल्टीपल लेयर्स में किया एंड उससे हमारी ये स्किन बन गई उन टीशू से चलो आगे देखते हैं बच्चे वी हैव क्यू मतलब क्यूब शेप का होगा सो सेल्स आर क्यूब शेप सो दे फॉर्म्स दी लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबल्स एंड डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड सो कहां पे होते हैं टिश्यूज ये टिश्यूज मिलके ये चीजें बनाते हैं नेक्स्ट वी हैव लास्ट हमारे पास है कॉलमनर

एपीथिलियम okay? so, ठीक है सो सेल्स एट दी एंडलो हमारी फेलोपियन so, ट्यूब हमारी एंड वहां पर एंड रेस्पिरेट्री ट्रैक्ट जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है वहां पर भी ये ये वाले जो टिश्यूज है हमें देखने को मिलते हैं देन उसके बाद है ग्लैंडुलर एपीथिलियम अब ये क्या करते हैं

रॉड सेल्स हो सकते हैं कौन सेल्स टेस्ट बर्ड्स ऑर्गन ऑफ टेस्ट बर्ड्स ऑर्गन ऑफ कॉट्री जो हमारे कान के अंदर इनर इंटरनल इन, इन, ईयर में जो बात होता है वहां पे ये टिश्यूज हमारे पास देखने को मिलती है ठीक है भाई अब आगे चलते हैं आगे हम बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यूज की अभी हमने जितनी बात करके आई ये सारे कौन से थे हमारे दीज आर एपीथीलियम टिश्यूज अब आगे हम बात कर रहे हैं कनेक्टिव टिश्यूज की क्या काम है द कनेक्टिव टिश्यू आर स्पेशलाइज टू नाम से पता चल रहा है कनेक्ट द वेरियस बॉडी ऑर्गन अलग अलग जैसे बोन्स को कनेक्ट करना मसल्स को बोन से कनेक्ट करना या जैसे हमारी बॉडी में जो पूरा ब्लड फ्लो करे काफी चीजों को कनेक्ट करता हुआ जा रहा है वो भी एक कनेक्टिव टिश्यू है नाउ इट कैन कनेक्ट बोन टू ईच अदर मसल टू बोन बाइंड टिश्यू एंड गिव सपोर्ट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी अब यहाँ पे द सेल्स ऑफ कनेक्टेड टिश्यूज आर लिविंग सेल्स होते हैं लूजली स्पेस्ड होते हैं एंड एम्बेडेड इन द इंटर सेलुलर जो उसका मैट्रिक्स होता है वो इस तरीके से होता है ऑल्सो जो इसका मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स बेसिकली क्या होता है जैसे एक सेल का स्ट्रक्चर्स है तो वो कैसा बना हो जैसे इसमें जो है इट मे बी जेली लाइक भी हो सकता है फ्लूइड भी हो सकता है डेंस और रिजिड भी हो सकता है क्योंकि अभी हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा जैसे जो बोन्स को कनेक्ट कर रहे वो उसका कैसा होगा डेंस और रिजिड होगा जो फ्लूड है हमारा ब्लड है वो फ्लूड होगा सो so, इस तरीके से इसका मैट्रिक्स अलग अलग हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन दी फंक्शन ऑफ पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू सो उस पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू का क्या फंक्शन है उस हिसाब से उसका मैट्रिक्स होगा अब आप नेक्स्ट स्लाइड देख के थोड़ा सा डरने वालों की इसमें इतनी सारी चीजें पढ़नी है बट ट्रस्ट में ये बहुत ईजी है क्योंकि इसमें ये सारी चीजें ऐसे

देन उसके बाद हम पढ़ेंगे एरियोलर और एडिपोस तो ये तो हो गया हमारा एरियोलर और ये चार टाइप के बेसिकली हो गए अब एरी एडिपोस तो बहुत छोटा सा सिंपल सा है उसमें फैट वगैरह का काम है बट अभी आएंगे उस पर एरियोलर में दो तरह के देखेंगे एक होते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू और एक होते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू अब जो डेंस वाले हैं ना इसमें दो आएंगे टेंडोन्स एंड लिगामेंट्स लिगामेंट्स वर्ड व्यू मेरे ख्याल से सुना होगा आपने अब आप एक एक करके जरा इनके फंक्शन पढ़ते हैं ट्रस्ट मी ये आपको ईजी लगेगा स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्केलेटन वाले पे चलते हैं स्केलेटन में हमारे पास बोन है और कार्टिलेज है अब बोन क्या होता है इट इज़ वेरी स्ट्रांग एंड नॉन फ्लेक्सीबल टिश्यू ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस एंड कैल्शियम अब भैया आपको पता है ना हमारी बोन्स कैसी है नॉन फ्लेक्सीबल अब यहाँ पे जैसे इतने पार्ट में बोन लगे ये तो मैं मूव कर सकती हूँ ये जॉइंट है यहाँ पे बोन है इसको तो मूव नहीं कर सकती सो दे आर नॉन फ्लेक्सीबल बहुत बिल्कुल फ्लेक्सीबल नहीं है वो एंड वेरी स्ट्रांग हमें पता है ना हमारी बोन्स बहुत स्ट्रांग होती है एंड क्यों वो फ्लेक्सीबल नहीं क्यों है क्यों इतनी स्ट्रांग है क्योंकि उसमें पर फॉस्फोरस होता है और कैल्शियम होता है

नेक्स्ट है हमारे पास फ्लूड फ्लूड में ब्लड होता है और लिम्फ होता है ब्लड तो सबको ही पता है भाई सो ब्लड सेल्स मूव इन लिक्विड मैट्रिक्स ब्लड प्लाज्मा प्लाज्मा हो प्लाज्मा सारा वो मूव करता है प्लाज्मा कंटेन्स उसमें क्या क्या होता है प्रोटीन्स होता है सोल्ट होते हैं एंड हार्मोन होते हैं सो ब्लड फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट गैस क्या क्या करता है वो क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है डाइजेस्टेड फूड को हार्मोन्स को एंड जितने भी वेस्ट मटेरियल है सारा बेसिकली बॉडी में जितनी भी चीजें ट्रांसपोर्ट हो रही है हमारा चाहे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रहा है चाहे हमारे फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा है सब चीजें कैसे ट्रांसपोर्ट हो रही है ब्लड ही तो फ्लो कर करके इन चीजों को लेके जा रहा है ठीक है ना ब्लड सेल्स आर ऑफ थ्री टाइप्स तीन चार तीन तरह के ब्लड सेल्स होते हैं हमारे राइट ब्लड सेल्स व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स ठीक है डन अब लिंफ एक नया वर्ड हो सकता है ये बेसिकली क्या है ये एक कलरफुल फ्लूड है हैविंग प्लाज्मा एंड अब इसमें ये देखो कलर इसमें रेड रेड ब्लड सेल्स नहीं होते इसमें भी प्लाज्मा है और व्हाइट ब्लड सेल्स है ये बेसिकली क्या होता है जब हमारा ब्लड फ्लो कर रहा होता है तो जो ब्लड कैपुलरीज है वो बहुत छोटी छोटी पतली पतली सी होती है सो तो कभी कभी वहाँ से थोड़ा थोड़ा फ्लूड निकलता रहता है तो वो लिफ की फॉर्म में होता है उसमें व्हाइट ब्लड सेल भी है प्लाज्मा भी है एंड हमारी जो लिम्फ है ना जो कहाँ फ्लो करता है उसके लिए अलग लिम्फ एसल्स बनी हुई है सो इट एस्केप्स आउट फ्रॉम दी ब्लड कैपिलरीज इन टू बॉडी टिश्यूज एंड फ्लोज इन लिम्फ लिम्फेसल किसमें फ्लो करता है लिम्फ वेसल्स बनी हुई है उसमें ये फ्लो करता है आगे है बेटा हमारे पास एरियोलर अब एरियोलर में क्या है मैंने बताया था दो तरह के हैं एक है लूज दिख रहा है ना अच्छे से एक है लूज कनेक्टिव टिश्यू और एक है डेंस कनेक्टिव टिश्यू लूज वाले में क्या इट इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल नर्व यहाँ पे होता है ये इट हैज लूज जेल लाइक मेट्रिस कैसा होता है कैविटीज इन साइड दर्गन एंड हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यू याद रखना ये पूछ रहे हैं भाई कौन हेल्प करते हैं रिपेयर ऑफ टिश्यूज में ठीक है तो आपको पता होना चाहिए इसी में एक है हमारा डेंस इस, कनेक्टिव इसका क्या होता है नाम डेंस है इसका सो इट इज मोस्टली मेड अप ऑफ टफ प्रोटीन फाइबर कोलेजन सो so, ये भैया टफ फाइबर से बना हुआ है और कोलेजन बोलते हैं जिसको ठीक है अब इसके अंदर हमारे पास है टेंडॉन्स और लिगामेंट सो so, टेंडोन्स क्या काम करते हैं दे कनेक्ट मसल टू बोन अगेन क्वेश्चन आ जाता है भाई कौन कनेक्ट करता है मसल्स को बोन से फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका मसल्स और बोन्स को कनेक्ट करते हैं टेंडॉन्स दे आर फाइबरस टिश्यू विद ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सीबिलिटी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है फ्लेक्सिबिलिटी लिमिटेड होती है उसी में हमारे पास लिगामेंट्स आते हैं लिगामेंट्स का क्या काम होता है दो बोन्स को कनेक्ट करना सो so, यहाँ याद रखना बेटा मसल और बोन को कनेक्ट कौन करता है टेंडोन्स एंड जो हमारी बोन को बोन से कनेक्ट करना है तो उसका काम कौन करता है लिगामेंट्स करते हैं टू ईच अदर बाई लिगामेंट दिस दिस टिश्यू इज वेरी इलास्टिक इट हैज कंसिडरेबल स्ट्रेंथ और इसमें काफ़ी स्ट्रेंथ होती है एंड ये इलास्टिक होता है ठीक है तभी हम अपने ऐसे ज्वाइंट्स को इतना आसानी से मूव कर पाते हैं ठीक है ठीके? चलो भाई आगे बढ़ते हैं एडिपोज लास्ट था इसमें दैट सेम फ्रॉम क्लस्टर ऑफ फैट सेल्स सो हमारी बॉडी के जो फैट सेल्स हैं वो मिलके ये टिश्यू बनाते हैं इट इज़ फाउंड बिलो द स्किन आर एंड बिटवीन इंटर इंटरनल ऑर्गन द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद फैट ग्लोब्यूल्स स्टोरेज ऑफ फैट ऑल्सो लेट्स इट एक्ट एज एन इंसुलेटर सो so, ये हमारे इसमें बस ये याद रखना है कि ये आएगा नाम जहां पे भी फैट का नाम आएगा वहां पे हम क्या लिखेंगे कॉन्सेट इश्यू एडिपोस ठीक है चलो इसी के साथ ये वाला टॉपिक भी खत्म होता है एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे मस्कुलर टिश्यूज अब मस्कुलर टिश्यूज कहाँ होंगे भाई हमारी मसल्स में होंगे सो इट इज मेड अप ऑफ मसल फाइबर विच आर लॉन्ग सेल इट अलाउज मूवमेंट एंड लोकोमोशन इन दी बॉडी सो हमारा जो भी मूवमेंट है लोकोमोशन करते हैं हम वो इन मस्कुलर टिश्यूज की वजह से ही कर पाते हैं नाउ टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू मस्कुलर टिश्यूज़ हमारे तीन टाइप के होते हैं वन इज स्ट्रेटेड मसल्स स्मूद मसल एंड कार्डिक मसल्स अब यहाँ पे देखो हमारी बॉडी में इतनी सारी मसल्स हैं ऐसा नहीं है कि हर मसल में सेम टिश्यू होगा जैसे कार्डिक नाम से कार्डिक अटैक सुना हुआ है ना कार्डिक अरे सॉरी कहाँ पर होता है हार्ट अटैक बेसिकली होता है सो so, वहाँ पर कहाँ होगी ये वाली मसल्स फिर हार्ट के पास ही होंगी सो so, एक एक करके इसके बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्ट्रेटेड मसल्स या इनको हम बोलते हैं स्केलेटल मसल्स या वॉलेंटरी मसल्स वॉलेंटरी वॉलटरी वर्ड का मतलब क्या होता है अपनी विल से कोई चीज करना सो so, ये ये वहां वहां पे होंगी जिन चीजों को हम अपनी विल से मूव करते हैं जैसे कि अगर मुझे हाथ मूव मुझ करना है अपनी मसल्स की हेल्प से मैं मूव कर पा रही हूं ये मेरा वॉलेंटरी एक्शन है लेकिन जो हमारे जैसे रेस्पिरेशन होता है तो जो लंग्स का मूवमेंट है वो तो हमारे कंट्रोल में है, वो तो मैं नहीं सोच सकती कि मेरे को नहीं करना अभी मेरे लंग्स थक गए हैं सो so, वो मूवमेंट हम नहीं कर सकते है.

उसके बाद है द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल अनब्रांच उनकी कोई ऐसे कैसे ब्रांचेस नहीं है अभी हम आगे देखेंगे ब्रांच वाले भी एंड मल्टी सेल है इस पर देख सकते हो बहुत सारे न्यूक्लियर बने हुए हैं जैसे अगर एक ये सेल है एंड उस पर ऐसे 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 करके बहुत सारे न्यूक्लियस बने हुए हैं देन इट हेल्प्स इन वॉलेंटरी मसल मूवमेंट एंड जो हमारे वॉलेंटरी हमारी विल से जो मूवमेंट हमें करना है उसमें ये मसल्स हेल्प करते टिश्यूज बेसिकली हेल्प करते हैं आगे चलते हैं बच्चे आगे है स्मूथ मसल इसका नाम क्या है दे आर ऑल्सो अनस्टेडेड इन वॉलेंटरी मसल मतलब हमारा कंट्रोल नहीं है इस पे सो दे आर कॉल्ड अनस्ट्रेर्ड मसल्स ड्यू टू एब्सेंस ऑफ जो भैया वो जो लाइनिंग्स वगैरह थी वो इसमें नहीं है सो so, इसको नाम दे दिया अनस्ट्रेर्ड एंड सेल्स आर लॉन्ग विद पॉइंटेड एंड्स स्पिंडल शेप आप देख सकते हो यहाँ पे कैसी स्पिंडल सी शेप है इसकी एंड यूनि न्यूक्लियेटेड मतलब हैविंग अ सिंगल न्यूक्लियस so, आप देख सकते हो ऐसे अब देख के आपको लग रहा होगा इसमें भी तीन चार न्यूक्लियस है बट अगर आप एक सिंगल स्पिंडल शेप देखोगे तो उसमें हमारे पास सिंगल न्यूक्लियस ही है सो दे आर फाउंड इन दी एलिमेंट्री कैनल ब्लड वेसल्स आयरस ऑफ आई यूटरस एंड इन दी ब्रोंकाई ऑफ द लंस सो यहाँ पे ये सारी वो चीजें जहां पे जो मूवमेंट तो रेगुलर होता है लेकिन हमारा कोई कंट्रोल नहीं है उस मूवमेंट पे उसके बाद है मूवमेंट इज नॉट कंट्रोल बायर विल सो बेहत अभी उसका नाम इन्वॉल्ट्री है नेक्स्ट है हमारे पास कार्डियक मसल्स कार्डियक मसल्स भी है हमारे अगेन उसमें भी क्योंकि ऐसे स्ट्राइप्स होती हैं तो उसको भी स्ट्राइप बोलते हैं एंड इनवॉलेंट्री अगेन भाई हार्ट हमारा पंप करता रहेगा जो उसकी वो रिदमिक वो जो करता रहता है रिलैक्स और कंट्रेट तो वो तो हार्ट करता रहेगा आपका उस पर कोई कंट्रोल नहीं है सो so ये भी हमारी इनवॉलेंट्री मसल हो गई सो दे आर कॉल्ड कार्डियक मसल टिश्यू बिकॉज फाउंड रिस्ट्रिक्टेड ऑन दी वॉल्स ऑफ हार्ट हमारी जो हार्ट की वॉल्स है वहां पे ये मसल्स होती है स्ट्रेटेड इनवॉलेंट्री मस्कुलर टिश्यू ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस स्ट्रेटिशन एंड ट बींग नॉट कंट्रोल्ड बाई आर विल ठीक है आप उसका अगेंक्चर देख सकते हो वहां पर फिर से वो आ गई सो तो फिर से उसका नाम सॉरी हार्ट मसल सेल्स आर सिलेंड्रिकल ब्रांच एंड यूनि न्यूक्लियस मतलब इसमें सिंगल न्यूक्लियस हो गया इसमें ब्रांचेस भी है एंड सिलेंड्रिकल शेप है ब्लड टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी सो फंक्शन में क्या आ गया भाई वो जो उसकी रिथ्मिक मूवमेंट है उसकी वजह से वो पूरे ब्लड को पंप करता है थ्रू आउट आर बॉडी ठीक है भाई इसके बाद लास्ट हमारा है नर्वस टिश्यू मैंने बोला था ना जो भी हमारा नर्वस सिस्टम है जैसे हम किसी चीज़ पर रिएक्ट करते हैं या अगर जैसे कोई गर्म चीज़ अगर हाथ डाल ली ये भी नर्वस सिस्टम का पार्ट है कि भैया हमारे पास सिग्नल इतनी जल्दी ट्रांसफर करने की भैया रिएक्ट करो एकदम से धूप लगी उस पर रिएक्ट करना या कोई कोई भी चीज़ हमारी उसमें बॉडी में होती है तो नर्वस सिस्टम उसमें हेल्प करता है रिएक्ट करने में सो टिश्यू इज़ कंपोज ऑफ सेल कॉल्ड नर्व सेल्स कहाँ से बनते हैं टिश्यू न्यूरॉन्स या नर्व सेल बोलते हैं उनको हम नर्व सेल्स आर हाईली स्पेशलाइज फॉर बींग स्टिमुलेटेड एंड देन ट्रांसमिटिंग द स्टिमुलस वेरी रैपिडली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन द बॉडी अब इसका काम क्या होता है भाई ये हमारे सारे सेंस ऑर्गन्स में होता है कोई भी जैसे तेज आवाज हमने सुनी उस पर रिएक्ट करना है तो वो क्या करता है किसी भी चीज़ का रिएक्ट वो फट फटाफट फट से वो स्टिमुलस लेता है एंड ट्रांसमिट करता है ब्रेन तक लेके जाता है कि भाई ये चीज़ हुई है बताओ क्या रिएक्शन दे रहे हो और वो बहुत फास्टली वो प्रोसेस करता है देन द ब्रेन ये हो गया ना स्पेशलाइज हो ट्रांसमेट वेरी रेपिडली फ्रॉम वन प्लेस टू ठीक है द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड आर कंपोज ऑफ नर्वस टिश्यू तो भैया हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड भी जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन है जैसे गर्म चीज को हाथ लगाती है हटा वो ब्रेन तक भी मैसेज नहीं आता स्पाइनल कॉड तक जाता है क्योंकि स्पाइनल कॉड में हमारे पास पूरा नर्व्स का बंडल होता है तो वहीं से आता है कि भाई ये हाथ हटाना है तुम्हें ठीक है देन इसके बाद क्या फंक्शन है इसके इट कंट्रोल्स ऑल बॉडी एक्टिविटीज जितनी भी बॉडी एक्टिविटीज है उसको कंट्रोल करता है इट कॉर्डिनेट्स अमंग वेरियस बॉडी पार्ट्स ड्यूरिंग एनी बॉडी फंक्शन सो कोई भी बॉडी फंक्शन जब करता है सो so, कॉर्डिनेशन का काम ये नर्व सेल्स ही करते हैं हमारे चलो आगे देखो बच्चे ईच न्यूरोन न्यूरोन इज बेसिकली नर्व सेल ओनली सो ईच न्यूरोन हैज थ्री पार्ट्स एक न्यूरोन का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है इसमें तीन पार्ट्स होते हैं वी हैव सेल बॉडी डेंट्राइड एंड एक्सॉन सो यहाँ पे ये जो ऊपर वाला पार्ट है दिस इज सेल बॉडी ये जो पार्ट आपको दिख रहा है बच्चे ये जो हो गए हमारे ये एक्जॉन हो गए और ये जो ब्रांच लाइक -like स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस इज डेंट्राइड ठीक है अब इसके क्या क्या फंक्शन है छोटे में शॉर्ट में समझ लेते हैं एक बार सेल बॉडी इट हैज लार्ज सेंट्रल न्यूक्लियस ये हमारा लार्ज सेंट्रल न्यूक्लियस होता है इसमें एंड साइटोप्लाज्म फ्रॉम विच लॉन्ग थिन हेयर लाइक Parts so, यहाँ पे सारा फैला हुआ है एंड ये ब्रांच वाले जो वो है वहां से निकल रहे हैं नर्व इम्पल सो ये जो है ये बेसिकली जो भी बाहर का स्टिमलस है जो इंफॉर्मेशन है सबसे पहले इनके पास आती है देन ये फ्लो करके यहाँ तक एंड यहाँ से आगे और न्यूरोन्स इसमें अटैच होते हैं सो so, वो जाते जाते जाते, जाते पूरा मैसेज लेके जाते हैं नाव एग्जॉन एक्सॉन का क्या काम होता है सिंगल लॉन्ग कंडक्टिंग फाइबर एक्सटेंडिंग फ्रॉम द न्यूरॉन दैट ट्रांसमिट इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी सो यहां सेल बॉडी लेके वो सेल बॉडी से मतलब जो भी मैसेज वगैरह उसको इम्पल्स को लेके आगे लेके जाते हैं ये जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर हो गया ये हो गया एक्सॉन ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने के लिए कुछ नहीं है हमारे पास क्योंकि चैप्टर होता है कंप्लीट आई रियली होप मुझे पता है कि देखने में या सुनने में लग रहा होगा बहुत सारी चीजें याद करनी है बट ट्रस्ट मी बेटा सिर्फ नाम थोड़े से मुश्किल हो सकते हैं फंक्शन याद करना कंफ्यूजिंग हो सकता है लेकिन वंस यू गिव टाइम टू दिस चैप्टर तो ये जितना हुआ बना हुआ उतना मुश्किल चैप्टर नहीं है धीरे 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 धीरे, धीरे क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि यार इससे पार होगी चीजें समझ में ही नहीं आ रही सिंपल सी चीजें है कोई भी टिश्यू है भाई ये टिश्यू ये काम करता है ये फंक्शन है यहाँ पे ये टिश्यू होता है सिर्फ यही चीज है इस चैप्टर में थोड़े से नो के थोड़ा सा लेवल अप है, बट अगर आप इसको ध्यान से करूंगी इसके बट खुद भी जब पढ़ रहे लिख लो अपने गेट पे, या कहीं पे उस चीज को लगा दो ताकि बार बार आप उस चीजों को रिवाइज कर सको और जब बार बार रिवाइज करोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगी सो so तरफ से चैप्टर खत्म होता है अभी ले इसके नोट्स खत्म हुए हैं हम यहां पे इसकी इंडेक्स क्वेश्चन जो भी बीच में चैप्टर के क्वेश्चन आते हैं वो डिस्कस करेंगे बैक एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे देन फाइनली अपना टी का कह सकते हैं हो गया एंड देन एक्स्ट्रा क्वेश्चन वगैरह हम आगे जाके लेंगे ओके सो आई रियली होप आपके लिए सेशन हेल्पफुल रहा हो डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स हाउ वॉज द सेशन और ये आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा सो आई सी यू ऑल इन नेक्स्ट दीडियो टेक केयर एंड बाई